हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एम पी शर्मा। आज अपन चर्चा करेंगे खतरनाक अनुवांशिक रोग थैलेसेमिया की। 8 मई विश्व थैलेसेमिया दिवस है। इस खतरनाक रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। 8 मई क्या होता है ये रोग, क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, क्या सावधानी रख सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन कि यह नाम क्यों मिला। थैला का मतलब होता है सी। वो मध्य सागर के चारों तरफ के देशों में यह खोजा गया और वहां अधिक पाया जाता है, और इसलिए नाम दे दिया गया इसको थैलेसेमिया। कैसा रोग है ये? हीमोग्लोबिन का रोग है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, आरबीसी ब्लड में होती है। कहाँ बनती हैं हीमोग्लोबिन, कहाँ बनता है आरबीसी, कहाँ बनती हैं या ब्लड कहाँ बनता है? वो बोन्स की जो केविटी है वहाँ बनता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। वहाँ पर खास प्रकार का टिश्यू या खास प्रकार के ऊतक, खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जहाँ पर आरबीसी बनती हैं या हीमोग्लोबिन बनता है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इसको हीमोपोइसिस कहते हैं। कैसा होता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में दो तो ग्लोबिन प्रोटीन की बीटा इकाई होती है, दो ग्लोबिन प्रोटीन की अल्फा इकाई होती है। यानी दो अल्फा और दो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन का एक बड़ा अणु बनता है। प्रत्येक ग्लोबिन में एक लिपिड की तरह का, फैट की तरह का पदार्थ है जिसको अपन हीम कहते हैं, और हर हीम में एक आयरन है, Fe है। तो चार हीम होगी, उन चारों में एक एक Fe है, यानी चार आयरन होगी, और हर एक आयरन से ऑक्सीजन का एक अणु जुड़ता है। यानी हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के चार अणु जुड़ सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन की संरचना है, दो अल्फा और दो बीटा ग्लोबिन की इकाइयां। क्या करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन लंग्स से सारे सेल्स तक, शरीर के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो क्या कहेंगे इसको अपन? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। यदि किसी भी कारण से हीमोग्लोबिन में कोई खराबी आती है तो कौन सा काम प्रभावित होगा? ऑक्सीजन का यह ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का यह परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन सेल्स तक भी पहुँचनी चाहिए, और वही काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये बहुत खतरनाक रोग है। अब अपन देखते हैं कि ये खतरनाक रोग कैसे उत्पन्न हुआ। अपन जानते हैं कि ग्लोबिन प्रोटीन है, दो अल्फा और दो बीटा। प्रोटीन को बनाने के लिए जीन होते हैं, और हर एक तरह के प्रोटीन को बनाने के लिए सामान्यतया एक जोड़ी जीन की होती है। लेकिन यहाँ पर अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन को बनाने के लिए दो जोड़ी जीन की हैं, यानी एक जोड़ी के बजाय दो जोड़ी हैं। कहाँ पर हैं ये? ये 16वीं जोड़ी गुणसूत्र पर है, यानी हर एक 16वें क्रोमोसोम पर दो दो जीन हैं। और इस जीन में म्यूटेशन हुआ वो भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। जीन का कोई भाग लुप्त हो गया, डिलीट हो गया, उसके कारण जो जीन बना वो जीन ठीक से काम नहीं करता, लेकिन काम पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन के कारण थैलेसेमिया नहीं होता। दूसरा बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए जीन 11वें गुणसूत्र पर है, एक 11वें गुणसूत्र पर एक जीन है, यानी एक जोड़ी गुणसूत्र पर एक जोड़ी जीन है। इस जीन में म्यूटेशन दो बार हुआ, एक बार कम खतरनाक हुआ, दूसरी बार ज़्यादा खतरनाक हुआ, और ये जो जीन बना वो भी जीन के भाग के विलोपित होने से, डिलीट होने से, गायब हो जाने से बना। तो ये जो विकृत जीन बना, इसके कारण विकृत बीटा ग्लोबिन बनता है, और इस विकृत बीटा ग्लोबिन का उपयोग हीमोग्लोबिन बनाने में होता है, तो विकृत हीमोग्लोबिन बनता है जिसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता नहीं रहती, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होता है। तो इस बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में खराबी के कारण, क्योंकि दो प्रकार से म्यूटेशन हुआ, इसके कारण चार प्रकार के हीमोग्लोबिन बन गए। जैसा अपन ने अभी समझा, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए चार जीन हैं, और उनमें जो म्यूटेशन हुआ, जो उत्परिवर्तन हुआ, वो भी कम खतरनाक था।
इसलिए अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन के कारण थैलेसेमिया नहीं होता। बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए जीन है केवल दो, एक जोड़ी है, और उनमें म्यूटेशन भी दो बार हुआ, और उनमें एक बार खतरनाक स्तर का म्यूटेशन हुआ। इस बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के कारण चार प्रकार के हीमोग्लोबिन बनते हैं। पहले प्रकार का है सामान्य हीमोग्लोबिन, जो स्वस्थ मनुष्य में होता है वैसा हीमोग्लोबिन, तो ये रोगी बिल्कुल नहीं है, ये सामान्य लोग हैं। दूसरे प्रकार का कम विकृति का हीमोग्लोबिन, यानी इस हीमोग्लोबिन में खराबी बहुत कम है, अल्प है, ये अल्प खतरनाक है ये, इसलिए इन बच्चों का काम भी आसानी से चल जाता है। तीसरे प्रकार का हीमोग्लोबिन, उसकी विकृति मध्यम स्तर की है, और इन लोगों का काम चल जाता है थोड़ी सी सावधानी रखकर, इनका काम भी किसी जैसे चल जाता है। लेकिन चौथे प्रकार का हीमोग्लोबिन जो अधिक विकृति का है, उसके अंदर सबसे खतरनाक स्थिति होती है, और यह खतरनाक स्तर का थैलेसेमिया है। ऐसे बच्चों में सामान्य हीमोग्लोबिन केवल 4% ही रह जाता है, बाकी सारा विकृत हीमोग्लोबिन। तो इन बच्चों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को लेकर जाने की क्षमता, ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। अपन जानते हैं लंग्स से ऑक्सीजन को जगह जगह पर टिश्यूज में पहुंचाने वाला, सेल्स में पहुंचाने वाला ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन खराब हो गया। तो ऐसे बच्चों में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला पदार्थ नॉर्मल है ही नहीं, वो तो विकृत हो गया। तो इन बच्चों में ठीक से कोई काम होगा नहीं, ऑक्सीजन की कमी हमेशा रहेगी, तो इन बच्चों को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में और क्या क्या खराबियां उत्पन्न होती है उनकी बात करते हैं अपन। क्योंकि ऐसे बच्चों को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, इसलिए किसी भी एक परिवार के सदस्य संख्या में इतने ज़्यादा नहीं होते कि बार बार उस बच्चे को रक्त देकर उसको जिंदा रख सकें, यानी परिवार के बाहर के लोगों का रक्त भी लेना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बीमार लोगों का रक्त भी चढ़ जाए और वो इन बच्चों में बीमारियां उत्पन्न कर देता है। बच्चे बीमार पहले से ही हैं और बीमारी और हो गई, तो ये इन बच्चों के लिए घातक अवस्था हो जाती है, तो सावधानियां रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है आरबीसी जो बार बार चढ़ाई जा रही हैं, जो पुरानी आरबीसी हैं उनमें वो जल्दी जल्दी मरेंगी, वो टूटेंगी, तो चढ़ाई गई आरबीसी में से बहुत सारी आरबीसी जल्दी जल्दी टूटती हैं, और उनके टूटने से आयरन मुक्त होता है, और ये आयरन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण इसके खराब प्रभाव, विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है यदि किसी बच्चे के थैलेसेमिया रोग है तो उसकी कोई पर्याप्त चिकित्सा नहीं है, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो उसमें पर्याप्त सामान्य हीमोग्लोबिन बना दे, तो क्या उपाय है? केवल उपाय एक है, केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कोई डोनर मिले उसका बोन मैरो लेकर इस बच्चे के बोन मैरो में बदला जाए तो इनका बचाव हो सकता है। फिर नेक्स्ट है भविष्य में क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं अपन? ये जो विकृत जीन है इनके साथ में सामान्य जीन और प्रवेश करा दिया जाए, जीन थेरेपी कहते हैं उसको, यानी सामान्य जीन प्रवेश कराकर केवल उन्हीं जीन को सक्रिय होने दिया जाए, तो वो सामान्य बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनाएंगे और ऐसे बच्चे सामान्य बन जाएंगे। क्या कहेंगे इसको अपन? जीन थेरेपी। ये फ्यूचर की उम्मीद है और इस विषय में वैज्ञानिक बहुत कुछ शोध कर चुके हैं और बाकी कर रहे हैं। एक और सावधानी रख सकते हैं, जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में, दुनिया के जिन भागों में ये थैलेसीमिया ज़्यादा होता है, वहाँ शादी से पहले लड़के और लड़की की फैमिली की हिस्ट्री जान लें कि इनके 2-3 पीढ़ी पहले कोई इस रोग से ग्रसित बच्चा तो नहीं था, और यदि ऐसा है तो फिर जीन काउंसलिंग करें, ये देखें कि इनके अंदर कोई जीन है तो नहीं जिससे बच्चा विकृत होगा। ऐसी शादियाँ न होने की सलाह दी जाती है, इसको प्री मैरिज काउंसलिंग कहते हैं। भारत में भी थैलेसीमिया के बहुत सारे रोगी हैं, लेकिन खतरनाक संख्या में नहीं है जितनी खतरनाक संख्या में भूमध्य सागर के चारों तरफ के देशों में है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे उनको भी आवश्यक जानकारी मिल सके।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।